आज हम लोग इस डिजाइन को बनाना सीखेंगे। ये सिंधी का डिजाइन है। ये स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, ये हमेशा हम लोग ये छोटा लाइन को पहले कवर करते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा और ये स्क्वायर जो है वो 1 सेंटीमीटर का है, ताकि अच्छे से समझ में आए। ये बड़ा होने से पूरा क्लियर हो जाता है। तो बड़ा स्क्वायर लिया है और इसको बनाना शुरू करते हैं। ये हमेशा ये छोटा जो लाइन होता है हम लोग इसको कवर करते हैं, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरू किया। ये डिजाइन कैसे ड्रॉ किया है ये वीडियो के लास्ट में हम लोग सीखेंगे, जिससे कि हम लोग आगे खुद से अपना डिजाइन ड्रॉ कर पाए। ये जो धागा यहाँ से बाहर आया है, ये इस लाइन के अंत में अंदर जाएगा। इसका जहां लास्ट हो रहा है, यहाँ ये अंदर जाएगा। इसके बाद सेम कॉर्नर से ये बाहर आएगा। उसके बाद पहले वाले में हम लोग को नॉर्मल इसके ऊपर से ही ऐसे इधर ले जाना है। इस लाइन का जहां लास्ट हो रहा है वहां ये अंदर चला गया। ये फिर सेम कॉर्नर से ये बाहर आएगा। अब हम लोग को देखना होगा कि ये धागा, अब क्योंकि यहाँ पे ऊपर आ चुका है, इसलिए इस धागे को हम लोग को देखना होगा। अब ये धागा इस लाइन के अंत में यहाँ आएगा अंदर। तो इस धागे को इसके ऊपर से ले जाना है। ये धागा ये जो है इस धागे को क्रॉस करेगा ऐसे। तो इस धागे के पोजिशन को हम लोग को देखना होता है। यहाँ ये धागा ऊपर है, दूसरा वाला धागा जो यहाँ पर एक लाइन है, तो ये पता चल रहा है कि एक और धागा आएगा। तो ये ऊपर है, तो यहाँ ये धागा ऐसे ऊपर से जाएगा, तो ये धागा यहाँ नीचे हो जाएगा। फिर यहाँ ये धागा ऊपर होगा, एक ऊपर एक नीचे और एक ऊपर। तो अभी हम लोग को निडल ऐसे नीचे से ले जाएंगे, तो ये धागा अपने आप ऊपर आ जाएगा और इस पॉइंट पे ये अंदर जाएगा ऐसे, और फिर सेम कॉर्नर से ये बाहर आएगा। अब ये धागा इस धागे को क्रॉस कर रहा है, तो इस धागे को देखेंगे हम लोग। जिसको क्रॉस करता है उस धागे को देखना रहता है बस, और इधर कहीं कुछ नहीं, सिर्फ इस धागे को। यहाँ ये धागा नीचे है, तो यहाँ ये सेकेंड वाले में ये ऊपर होगा, फिर यहाँ ये नीचे होगा। इसको नॉर्मल ऐसे ऊपर से गुजारेंगे तो वो नीचे चला जाएगा, और इस लाइन का अंत यहाँ हो रहा है, इसलिए ये यहाँ अंदर जाएगा। ये ऐसे अंदर गया और फिर सेम कॉर्नर से ये बाहर आएगा। इसके बाद इस लाइन का अंत यहाँ हो रहा है, तो ये धागा इधर आएगा और एक धागे को क्रॉस कर रहा है। ये धागा यहाँ ऊपर है, यहाँ पे ऐसे ये नीचे जाएगा, यहाँ ऊपर होगा। तो निडल को अंदर से लेंगे तो ये धागा अपने आप ऊपर आ जाएगा। सेम इसी तरह से ये सारा फ्रेम बनेगा। फ्रेम इस डिजाइन में फ्रेम 2 बार में बनेगा और ऊपर की बुनाई भी 2 बार में होगी। ये हो गया। अब यहाँ से ये बाहर आएगा और इस धागे को क्रॉस कर रहा है। यहाँ ये धागा नीचे है, तो यहाँ ये ऊपर होगा, यहाँ ये नीचे। नॉर्मल इसको ऐसे क्रॉस करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, और इस लाइन का अंत यहाँ हो रहा है, इसलिए ये यहाँ अंदर जाएगा और सेम कॉर्नर से फिर ये बाहर आएगा। ये ऐसे ये बाहर आएगा। अब ये इस लाइन का अंत यहाँ हो रहा है, धागा ऐसे आएगा और इस धागे को क्रॉस कर रहा है। ये धागा यहाँ ऊपर है, तो यहाँ नीचे होगा। इसको ऊपर से ले जाएंगे तो अपने आप नीचे चला जाएगा। ये हो गया। सेम कॉर्नर से फिर ये बाहर आएगा और इस धागे को क्रॉस करके यहाँ आएगा, क्योंकि इस लाइन का अंत यहाँ हो रहा है। यहाँ ये धागा ऊपर है, यहाँ ऐसे नीचे, यहाँ ऊपर। तो निडल अंदर से जाएगा तो धागा ऊपर आ जाएगा ऐसे, और इस पॉइंट पे ये अंदर जाएगा और सेम कॉर्नर से ये बाहर आएगा। अब ये यहाँ आएगा और इस धागे को क्रॉस कर रहा है। यहाँ ये धागा नीचे, तो यहाँ ये ऊपर होगा, तो निडल अंदर से लेना होगा। तो ये धागा ऊपर आएगा और इस पॉइंट पे ये अंदर जाएगा
फिर सेम कॉर्नर से फिर ये बाहर आएगा। ये फ्रेम दो बार में बनेगा, अभी एक बार में पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा। अब ये यहाँ आएगा और इस धागे को क्रॉस कर रहा है, ये यहाँ नीचे है, यहाँ ये ऊपर होगा तो यहाँ ये नीचे जाएगा, तो ये नॉर्मल ऐसे कर देंगे तो वो नीचे चला जाएगा, बस उसको ऊपर से गुजार दें। अब ये इधर आएगा और इस धागे को क्रॉस कर रहा है, यहाँ ये धागा ऊपर है, यहाँ नीचे, नॉर्मल इसको ऐसे पार करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। ये हो गया, सेम कॉर्नर से फिर ये बाहर आएगा। अब ये इधर आएगा और इस धागे को क्रॉस कर रहा है, यहाँ ये ऊपर है, यहाँ ये नीचे जाएगा, यहाँ ये ऊपर, नीडल को नीचे से लेना होगा जिससे धागा ऊपर आ जाएगा। इस पॉइंट पे ये अंदर जाएगा और सेम कॉर्नर से ये बाहर आएगा। अब ये यहाँ आएगा और इस धागे को क्रॉस कर रहा है, यहाँ धागा नीचे है, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, तो इसको नॉर्मल ऐसे करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। इस पॉइंट पे ये अंदर जाएगा और सेम कॉर्नर से फिर ये बाहर आएगा। अब ये धागा इधर आएगा, इसको क्रॉस कर रहा है, यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे रहेगा, नॉर्मल क्रॉस करेंगे तो नीचे चला जाएगा। यहाँ ये अंदर गया और फिर सेम कॉर्नर से ये बाहर आएगा। अभी ये धागा इधर आएगा और इस धागे को क्रॉस कर रहा है, यहाँ ये धागा ऊपर है, फिर बाद वाले में नीचे होगा तो यहाँ ये ऊपर होगा, निडल को नीचे से लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और इस पॉइंट पे यहाँ ये अंदर जाएगा और सेम कॉर्नर से फिर ये बाहर आएगा। और अब ये यहाँ आएगा क्योंकि इस लाइन का अंत यहाँ हो रहा है, इसलिए ये यहाँ आ रहा है, तो इस धागे को क्रॉस कर रहा है, यहाँ ये धागा नीचे है, यहाँ ऊपर होगा, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, तो निडल को ऐसे अंदर से लेंगे तो धागा अपने आप ऊपर आ जाएगा। अब ये इस पॉइंट पे अंदर जाएगा और सेम कॉर्नर से ये ऐसे बाहर आएगा। और अब ये इस धागे को क्रॉस कर रहा है, यहाँ धागा नीचे है, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, नॉर्मल क्रॉस में वो नीचे चला जाएगा। यहाँ आने के बाद इस सेम कॉर्नर से फिर वो बाहर आएगा, बाहर आया। अब ये यहाँ आएगा इस पॉइंट पे, इस धागे को क्रॉस कर रहा है, यहाँ ऊपर है, नॉर्मल क्रॉस करेंगे तो वो नीचे चला जाएगा। ये हो गया, फिर इसी के कॉर्नर से बाहर आएगा। अब ये इधर आएगा, इस धागे को क्रॉस कर रहा है, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, यानी इसको नीडल को नीचे से लेना होगा जिससे कि धागा ऊपर आ जाएगा। और फिर अब इस पॉइंट पे ये अंदर जाएगा, इस पॉइंट पे ये अंदर गया और सेम कॉर्नर से ये बाहर आएगा। अब ये इस धागे को क्रॉस करेगा तो ये यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, तो नॉर्मल ऐसे लाएंगे तो वो नीचे चला जाएगा। ये हो गया, इसी के कॉर्नर से ये फिर बाहर आएगा। और अब ये इधर आएगा, इस धागे को क्रॉस कर रहा है, यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे, तो ये नॉर्मल ऐसे करेंगे तो वो नीचे चला जाएगा। इस पॉइंट पे ये अंदर जाएगा और फिर यहाँ से ये बाहर आएगा। अब ये इस धागे को क्रॉस कर रहा है, यहाँ ये धागा ऊपर है, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर होगा, तो निडल को अंदर से लेना होगा। इस पॉइंट पे ये अंदर जाएगा, सेम कॉर्नर से फिर ये अब बाहर आएगा। और अब ये इधर आएगा, इस धागे को क्रॉस कर रहा है, यहाँ ये धागा नीचे है, यहाँ ऊपर होगा, ऊपर करने के लिए हम लोग को निडल को अंदर से लेना होगा। ये इधर डीसी के कॉर्नर से ये बाहर आएगा।
अब ये इधर आ रहा है, इस धागे को क्रॉस करा, यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर होगा, यहाँ नीचे, तो नॉर्मल ऐसे लाएंगे तो वो नीचे चला जाएगा। सेम कॉर्नर से फिर ये, सॉरी, सेम कॉर्नर से ये बाहर आएगा, यहाँ आएगा, इस धागे को क्रॉस कर रहा है, यहाँ ये ऊपर है तो यहाँ ये नीचे होगा, नॉर्मल फिर ऊपर से ले आएंगे तो वो नीचे चला जाएगा, सेम कॉर्नर से ये बाहर आएगा, और अब ये इस यहाँ आएगा, इस पॉइंट पे इस धागे को क्रॉस कर रहा है, यहाँ ये ऊपर है, यहाँ ये नीचे हो, यहाँ ये ऊपर, तो नीडल को अंदर से लेंगे तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा, इस पॉइंट पे ये अंदर जाएगा और फिर सेम कॉर्नर से ये बाहर आएगा। ये अब ये इधर आएगा, इस धागे को क्रॉस करें, यहाँ ये नीचे है, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, तो ऐसे नॉर्मल क्रॉस में वो नीचे जाएगा, एक धागा ऊपर होएगा और एक धागा नीचे, फिर हम लोग यहाँ सिंपल से ये बाहर आएगा। और ये अभी एक बार का जो धागा लिया था तो एक बार में फ्रेम जितना बनना था वो कंप्लीट हो गया है, फिर से हम लोग को धागा लेके और ये बाकी बचा, यहाँ से हम लोग बाहर ऐसे निकाले। अब बाकी जो लाइंस बच गए हैं जिसमें कि फ्रेम नहीं बना है वो फिर से धागा लेके बनाना होगा, तो अभी हम लोग इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ ये ऊपर है, यहाँ ये नीचे, यहाँ ये ऊपर, तो निडल ऐसे नीचे से जाएगा तो ऊपर आ जाएगा अपने आप, और फिर ये लास्ट वाला लाइन, अब इसमें यहाँ पे आके हम लोग को अंत करना है, तो ये धागा इस धागे को ऐसे क्रॉस करके इधर आएगा, तो इस धागे को देखेंगे, यहाँ ये नीचे है तो यहाँ ये ऊपर होगा, तो निडल यहाँ भी नीचे से आएगा, तो ये ऐसे हो गया। और जहां से स्टार्ट किया था सेम उसी के कॉर्नर में इसका लास्ट होगा, यहाँ पे ये लास्ट होने के बाद फिर से इसको हम लोग इधर नॉट लगा लेंगे और नए धागा को फिर से लेके बाकी बचे फ्रेम को पहले बनाएंगे। फिर से धागा ले लिया है और फिर से दोबारा जब शुरू करेंगे तो थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, किसी भी कॉर्नर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे तो यहाँ से शुरू करें तो ठीक रहेगा, ऐसा कुछ नियम नहीं है, तो हम लोग इसको यहाँ से शुरू करेंगे और इधर ऐसे जाएंगे क्योंकि पहले भी हम लोग इधर से ही बनाए थे। यहाँ से हम लोग बनाना शुरू कर रहे हैं, इसमें क्या होगा कि ऑलरेडी पहले से धागा हम लोग को है तो वो मिलेगा, तो अभी हम लोग को इस लाइन को सिर्फ देखना होगा कि ये इसका लास्ट यहाँ हो रहा है तो हम लोग को इधर आना है और ये दो धागे को क्रॉस करेगा, तो सेम फॉर्मूला है, इस धागे को देखेंगे कि ये धागा यहाँ, देखो यहाँ नीचे है, यहाँ भी नीचे, तो यहाँ ये ऊपर होगा, तो हम लोग निडल ऐसे नीचे से लेंगे और दूसरे में यहाँ ऊपर, यहाँ ऊपर, यानी इसको ऐसे दबाना होगा तो इधर ऊपर से ऐसे क्रॉस करेंगे, ये हो गया। अब इस पॉइंट पे ये अंदर जाता है, तो अंदर जाएगा, उसके बाद सेम कॉर्नर से फिर ये बाहर आएगा जैसे पहले भी हो रहा था। अभी ये पहले से दो लाइन है, इसको क्रॉस करके ये इधर आएगा, तो सिंपल इसको देखेंगे, यहाँ ये धागा ऊपर है, ये धागा, तो यहाँ ये नीचे जाएगा, इसको नॉर्मल ऐसे करेंगे तो वो नीचे चला जाएगा, यहाँ ये दोनों नीचे है तो यहाँ धागा ऊपर करना होगा तो निडल अंदर से जाएगा, ये हो गया। इस पॉइंट पे आए अंदर जाएगा, और फिर सेम कॉर्नर से ये बाहर आएगा, अभी फिर से दो धागे को क्रॉस कर रहा है, एक तो अभी आया है और एक पहले से था, यहाँ ये नीचे है तो यहाँ ये ऊपर होगा, तो निडल को नीचे से लेंगे और दूसरा यहाँ भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है, तो इसको दबाना होगा तो ऊपर से इसके ऐसे नॉर्मल क्रॉस कर देंगे, ये दब जाएगा, ये यहाँ अंदर गया, सेम कॉर्नर से फिर ये बाहर आएगा और यहाँ ये पांच धागे को क्रॉस कर रहा है, एक दो तीन चार पांच, तो एकदम नॉर्मल एकदम आसानी से इसको देखेंगे कि यहाँ ये धागा ऊपर था तो यहाँ नीचे जाएगा, जिसको
नॉर्मल ऐसे इसके ऊपर से क्रॉस करेंगे तो नीचे दब जाएगा। दूसरा देखिए, यहाँ दोनों नीचे तो यहाँ ऊपर, मेन यहाँ पर एक धागा ऊपर एक धागा नीचे बुनाई होगी। फ्रेम पहला अगर बिल्कुल सही बना है तो यहाँ एक धागा जैसे इसके ऊपर से गए, यहाँ अंदर से लेना होगा, इसके ऊपर से, इसके अंदर से, इसके ऊपर से, ये अपने आप सही बनेगा क्योंकि हम लोग का पहला जो फ्रेम बनाया है वो भी बिल्कुल सही बना है। अब यहाँ इस लाइन का यहाँ अंत हो रहा है, यह अंदर जाएगा और सेम कॉर्नर से फिर ये बाहर आएगा, सेम कॉर्नर से ये बाहर आएगा ऐसे। और अब यहाँ तीन धागे को क्रॉस करेगा, एक दो तीन, ये धागा यहाँ ऊपर है तो यहाँ ये दबेगा, ये नॉर्मल ऐसे क्रॉस, इसको अंदर इसको ऊपर, क्योंकि हम लोग का पहला वाला फ्रेम बिल्कुल सही बना है, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ये हो गया, यहाँ ये अंदर जाएगा ऐसे और सेम कॉर्नर से ये बाहर आएगा। अब ये दो धागे को क्रॉस कर रहा है, एक ये यहाँ ऊपर है तो यहाँ ऐसे नॉर्मल क्रॉस में दब जाएगा, यहाँ ये नीचे तो यहाँ इसको ऊपर लेना होगा, तो नीडल अंदर से डालेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा अपने आप, और इस पॉइंट पे ये अंदर जाएगा और फिर सेम कॉर्नर से ये बाहर आएगा। बाहर आके एक धागे को क्रॉस करेगा, यहाँ ये धागा नीचे है तो यहाँ ऊपर होगा, तो निडल को अंदर से लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा जैसे, फिर इस पॉइंट पे ये अंदर जाएगा, सेम कॉर्नर से ये फिर बाहर आएगा। अब ये यहाँ आएगा और दो धागे को क्रॉस कर रहा है, यहाँ ये नीचे है तो इसको ऊपर लेना होगा, तो निडल अंदर से जाएगा, और यहाँ ये ऊपर है तो इसको दबाना होगा तो ये निडल ऊपर से जाएगा तो वो दब जाएगा, यहाँ फिर ये अंदर जाएगा और सेम कॉर्नर से फिर ये बाहर आएगा। और अब ये तीन धागे को क्रॉस कर रहा है जैसे यहाँ हुआ था, तो देख लेंगे यहाँ ये ऊपर है तो यहाँ नीचे, तो ये नॉर्मल ऐसे क्रॉस में नीचे जाएगा तो फ्रेम सही बना, इसलिए अगला यहाँ नीचे तो यहाँ ये ऊपर, यहाँ ये नीचे ऐसे होगा। हो गया, अब ये इस पॉइंट पे अंदर, सेम कॉर्नर से ये बाहर आएगा। अब ये जिस तरह यहाँ पे पांच धागे को क्रॉस किया था यहाँ भी करेगा, तो यहाँ भी सेम है, यहाँ ऊपर है तो यहाँ ये नीचे, इसका मतलब है इसको ऊपर से लाना होगा, एक ऊपर से, ये दोनों नीचे है तो यहाँ ऊपर करना होगा, यहाँ दबाना होगा, यहाँ ऊपर और यहाँ दबाना होगा, एक ऊपर एक नीचे यहाँ बुनाई कर देंगे तो वो सही बन जाएगा। देख भी लेना है तो पक्का अच्छा ही बनेगा। फिर ये हो गया, इसी कारण से ये बाहर आ जाएगा। अब ये दो धागे को क्रॉस कर रहा है, एक ये और एक ये, यहाँ ऊपर है तो ये नॉर्मल क्रॉस, और ये दोनों नीचे है तो ये इधर से लेंगे, ये इस पॉइंट पे अंदर जाएगा, फिर सेम कॉर्नर से ये बाहर आएगा। और अब ये जहां से स्टार्ट किया था वहां आएगा और ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस धागे को देखेंगे, ये धागा यहाँ नीचे है तो यहाँ ऊपर होगा ऐसे ऊपर, ये दोनों ऊपर है तो यहाँ ऐसे इसको नीचे लेना होगा, फिर यहाँ ये नीचे है तो इसको ऊपर लेना होगा। हो गया, और जहां से स्टार्ट किया था वहां इसका लास्ट हो गया। फ्रेम दो बार में बना है और ऊपर की बुनाई भी दो बार में होगी, इसको इधर नॉट लगा के सिक्योर कर लेना है। ये धागा ले लिया है, अब ऊपर से हम लोग बुनाई करेंगे इसमें, तो बुनाई भी दो बार में होगी। ये स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा, इस पॉइंट से हम लोग शुरू करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट ये लिया है, ये लिया है, अब ये धागा इसको क्रॉस करेगा, ये ऊपर है इसलिए नॉर्मल इसके ऊपर से जाएगा तो ये दब जाएगा। यहाँ भी सेम फॉर्मूला है, जो भी धागा ऊपर होता है उसको हम लोग अंदर करते हैं, जो अंदर रहता है उसको ऊपर लेते हैं,
तो यहाँ ऊपर से लेंगे तो ये धागा अपने आप नीचे चला जाएगा और फिर हम लोग को इधर ऐसे 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 बुनाई करनी है। सही है सर, बाहर बाहर एक पूरा एक राउंड पहली बार में होगा, दूसरी बार में फिर से धागा लेके बुनाई करना रहेगा। तो ये ऊपर से ऐसे जाएगा और सिर्फ इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं हर एक बार, इस पॉइंट को देखेंगे ये नीचे है तो नडल ऐसे नीचे से जाएगा तो अपने आप ये ऊपर हो जाएगा। ये हो गया ऐसे। अब इधर आना है ऐसे, ये धागा यहाँ ऊपर है, ये नॉर्मल ऐसे क्रॉस करेंगे तो ये ऐसे दब जाएगा। फिर ये पॉइंट ये नीचे है, इसको ऐसे नीचे से लेंगे तो ये ऊपर होगा। ये हो गया। अब इस पॉइंट में हम लोग को आना है, यहाँ ये पॉइंट नीचे है तो इसको हम लोग को ऊपर लेना होगा, तो निडल ऐसे अंदर से जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा। फिर सेम जैसे यहाँ पे हुआ था, ये ऊपर से ऐसे नॉर्मल क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पे दो धागा आ गया है, इसको तो नॉर्मल ऐसे क्रॉस कर देंगे और दूसरी बार में यहाँ से इसको इसको ऊपर लेंगे और यहाँ ये ऊपर है इसलिए इसके ऊपर से जाएगा तो वो नीचे चला जाएगा, और सेकेंड वाला भी ऊपर है तो वो नीचे करना होगा, ऊपर से क्रॉस करेंगे तो वो नीचे चला जाएगा ऐसे। जैसे ये बना, अब पूरा ऐसे ऐसे ये पूरे में घूमेगा ये ऊपर की बुनाई। तो अब हम लोग ये ऊपर था, इसको ऐसे नॉर्मल क्रॉस किया, ये पॉइंट नीचे है इसको ऊपर लेंगे ऐसे, और ये पॉइंट ऊपर है ये ऊपर से ऐसे गुजरेगा, और फिर ये छोटा वाला पॉइंट नीचे है इसको हम लोग ऐसे लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। सेम जैसे यहाँ हो रहा था, इसमें हुआ था, वैसे ही यहाँ पर अब दो धागा आ गया है, सेम वही होगा। यहाँ ऐसे ऊपर से इसको अंदर लेना होगा और इसके बाद ये और ये दोनों ऊपर है तो इसके ऊपर से ऐसे निडल जाएगा तो धागा भी ऊपर आ जाएगा। जो ऊपर है उसको ऐसे नीचे दबाना रहता है, सेम प्रोसेस ऐसे हो गया। ये ऊपर है, इस पॉइंट को ऊपर लेना होता है, यहां से नॉर्मल क्रॉस करेगा फिर इसको ऊपर लेंगे, ये दोनों को दबाना होगा तो नॉर्मल ऐसे ऊपर से जाएगा। सेम ऐसे ही पूरा एक राउंड बनेगा। पहले वाले को सिक्योर करने के बाद ये फिर से धागा ले लिया है और अब हम लोग बुनाई शुरू करेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि कहाँ से शुरू करना है। तो जैसे इस यहाँ से हम लोग हर एक बार शुरू कर रहे हैं तो इस स्क्वायर को देखेंगे, यहाँ देखिए 1 2 3 कंप्लीट है, 3 धागा, एक और आएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और ये धागा पहले ऐसे दबेगा, फिर ये ऊपर होगा, फिर ये दबेगा, फिर ऊपर होगा, फिर इसके हम लोग पूरा एक बुनाई करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग ये रखेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ से बनाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ से शुरू की, अभी हम लोग को यहाँ जैसे बना रहे थे कि जो धागा ऊपर है उसको दबाना है, तो उसके ऊपर से क्रॉस करेंगे तो दबेगा, इसके ऊपर से क्रॉस करेंगे ये नीचे है दूसरा वाला तो इसके नीचे से लेंगे तो ये ऊपर आएगा, ये ऊपर है इसको नीचे करेंगे, इसको ऊपर लेंगे ऐसे। ये हो गया, ये स्क्वायर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग को इधर ऐसे और ऐसे बनाते जाना है, ठीक है। अब इधर, अभी हम लोग पहले वाले में हम लोग इधर को कवर कर रहे थे, अभी हम लोग इधर को कवर करेंगे अंदर की ओर जिधर नहीं बना है। ये धागा ये तो कंप्लीट हो गया, ये ऊपर है इसके ऊपर से जाएगा, ये नीचे है इसको ऊपर लेंगे, इसको ऊपर लेंगे और
ये भी धागा यहाँ नीचे है, तो इसको भी ऊपर लेंगे ऐसे। यहाँ पे थोड़ा सा बस ध्यान से देखने से आराम से समझ में आएगा। ये हो गया। अभी इधर से हम लोग को ऐसे क्रॉस करना है, तो ये धागा ऊपर है, इसके नॉर्मल ऐसे इसके ऊपर से गुजार देंगे तो वो दब जाएगा, और अब ये जो पॉइंट है ये नीचे है, इस पॉइंट को हम लोग को ऊपर लेना होगा ऐसे। हो गया ऐसे। अब ये इसके अंदर से ऐसे जाएगा और बार बार ऐसे सबको कवर करते जाएगा। तो अभी ये भी कंप्लीट होगा क्योंकि तीन तरफ से इसमें धागा आ चुका है। ये ऊपर है, इसके ऊपर से ले जाएंगे, इसको ऊपर लेंगे, ताकि ये जो धागा ये नीचे था इसको ऊपर लेंगे, ये ऊपर है इसको अंदर, और ये इसको ऊपर, और सेम प्रोसेस जैसे जैसे यहाँ पे हुआ था वैसे ही इधर भी होगा। ये ऊपर है, ये अंदर, ये दोनों नीचे है, इन लोग के अंदर से लेंगे तो ये दोनों ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल क्रॉस, यहाँ पे पॉइंट छोटा सा जो है उसको ऊपर लेना होगा। सेम बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे बनेगा, एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर, यहाँ दोनों। ये जो स्क्वायर है ये 1 सेंटीमीटर का है, इसलिए बड़ा है, इससे थोड़ा स्क्वायर आप लोग छोटा लीजिएगा। ये तो बस इसलिए बड़ा लिया है कि अच्छे से दिखाई दे, क्लियर हो जाए सब कुछ। इधर नॉर्मल क्रॉस, इस पॉइंट को ऊपर लेना होता है। यहाँ ऊपर से ऐसे जाएगा, ये दोनों अंदर है तो इन लोग के नीचे से ले जाएंगे तो ऊपर आएगा। ये इधर से कंप्लीट होते जा रहा है।
ये पॉइंट ऊपर, ऐसे सब बनते हो रहा था, ऐसे ही ये भी बनेगा। ये हो गया, ये अंदर, तो ये दोनों ऊपर आ गया। ये पॉइंट ऊपर लेना होता है, फिर यहाँ पे, यहां से स्टार्ट किया था, यहीं लाके इसका लास्ट करेंगे। एक ऊपर, ये अंदर, ये पहले इसको ऐसे ऊपर ले लेंगे, उसके बाद जिस पॉइंट से शुरू किया था, ये यहाँ से ऐसे क्रॉस करना था, इसलिए थोड़ा इसके इससे सटा के लिया था, ताकि ये ऐसे अच्छा से उभर दिखाई दे। अब ये यहाँ अंत कर देना है। ये हो गया, ये बन के तैयार हो गया है। ये फ्रेम भी दो बार में बना, दो बार में फ्रेम बना और दो बार में इसके ऊपर की बुनाई हुई है। इससे आप फ्लावर और फ्लावर का पेटल की तरह भी दिख रहा है ये, तो आप उसको भी बना सकते हैं। 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर में ऐसा बना था और ये 1/2 सेंटीमीटर। और इस डिजाइन को कैसे ड्रॉ किया है वो बताती हूँ। ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, पहले स्क्वायर बना लिया है स्केल से पूरे अच्छे से माप के, सेंटर में 1, तो इसके कॉर्नर वाले को 2, तो इधर भी 2, क्योंकि सेम पैटर्न बना है ऐसे, इसलिए 2, फिर 3, फिर 4, 4, और इसको हम लोग को ऐसे थोड़ा सा सीधा ले जाना था पहले, तो 5, एक अंदर में 6, दोनों के एक अंदर में 6, फिर बाहर 7, और फिर उसके ऐसे साइड में 8, फिर ऊपर एक टॉप पे 9, फिर दोनों साइड 10 और ये 11। तो ये एक जैसा पैटर्न बनके तैयार हो गया है। इसको 1 सेंटीमीटर में बनाया है, आप लोग इसे छोटा बनाइएगा।